Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. कैनेडियन दार हुकूमत ओटावा में वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टरों को धमकियां मौसूल। डॉक्टरों ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर निकलते हुए खौफ महसूस करते हैं। टोरंटो में इस वीकेंड पर सीज़न की पहली बर्फबारी का इम्कान। इतवार के रोज़ जनूबी और वस्ते ऑन्टेरियो में बर्फबारी होगी। इस वीकेंड पर शहर में बारिश का भी इम्कान है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमू तादाद 17,41,000 से तजावज कर गई। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के 642 नए केसेस रिपोर्ट। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की एक मस्जिद में नमाजी जुम्मे के दौरान जोरदार धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 नमाजी शहीद जबकि इमाम मस्जिद समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका का पाकिस्तान TTP मुज़ाकरात पर ख़ास रद्दमल देने से इंकार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के बारे में हम पाकिस्तानी क़यादत के साथ बाकायदा रबते में हैं। अफगानिस्तान के लिए नए नुमाइंदे खसूसी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमेरिका में अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। 31 साल बाद महंगाई में बड़ा इजाफा। अमेरिकी सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। जैसिंडा ऑर्डन के फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम के दौरान बेटी के तंग करने की वीडियो वायरल। जैसिंडा ऑर्डन ने फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान बेटी के मुदाखलत करने पर माफ़ी भी मांगी। जैसिंडा ऑर्डन कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक आवाम को आगाह कर रही थी। कोरोना वायरस आलमी इदारे सेहत ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। एक हफ्ते में यूरोप में कोरोना के बायस होने वाली अमवात में 10% इजाफा। अमरीका, बरतानिया, रूस, तुर्की और जर्मनी में कोरोना वायरस में इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा के दार हुकूमत ओटावा में डॉक्टर ने कत्ल की धमकियां मौसूल होने के बाद वजीर आजम से सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में डॉक्टर ने कत्ल की धमकियां मौसूल होने के बाद वजीर आजम से सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से अपील की है कि उन्हें हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। डॉक्टर नीली का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान बड़े पैमाने पर क्लिनिक का एहतमाम किया था, मगर बाज़ लोगों को वो पसंद नहीं आया और उन्हें धमकी आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम से अपील की है कि उनकी और दीगर डॉक्टरों की जानों की हिफाजत के लिए इंतजामात किए जाएं। उनका कहना था कि धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन क्लिनिक नहीं चलाएंगे। मैं अब अपने दफ्तर से बाहर चलने से डरती हूँ, यहाँ तक कि दिन की रोशनी में भी, क्योंकि किसी ने कहा है कि वो मुझे मार डालेंगे। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहेगा और मामूली बर्फबारी का भी इम्कान है। जनूबी और वस्ती ऑन्टेरियो के शहरी इतवार के रोज़ बारिश की तवक्को कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहरी मौसम की पहली बर्फबारी का मज़ा ले सकेंगे। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहेगा और मामूली बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि जनूबी ऑन्टेरियो में रहने वाले हाइकिंग या इस जैसी दीगर सरगर्मियों के लिए तैयारी करके जाएँ। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि हफ्ते के रोज़ शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 7 और रात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। जुनूबी और वस्ती ऑन्टेरियो के शहरी इतवार के रोज़ बारिश की तवक्को कर सकते हैं, जबकि वस्ती ऑन्टेरियो के कुछ हिस्से और टोरंटो के शुमाल मगरब में ऊंची बुलंदी पर वाक़ इलाकों में कुछ गीली बर्फ़ पड़ रही है। इतवार के रोज़ दिन के औकात में शहर में बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रात के औकात में शहर में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।
कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 605,248 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,916 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 17,41,000 से तजावुज कर गई, जबकि हलाकतें 29,249 हो गई। मुल्क भर में 16,86,745 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 642 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 605,248 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,916 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 431,612 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,529 तक पहुँच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,28,189 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 3,164 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 210,758 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,234 है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की एक मस्जिद में नमाजी जुम्मे के दौरान जोरदार धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 नमाजी शहीद जबकि इमाम मस्जिद समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की एक मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान जोरदार धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 नमाजी शहीद जबकि इमाम मस्जिद समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के ज़िला स्पेन घर की एक मस्जिद में उस वक्त ज़ोरदार धमाका हुआ जब वहां नमाज जुमा अदा की जा रही थी। धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। मुकामी तालिबान कमांडर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मस्जिद में धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि हलाकतों का खदशा है। धमाके की नौयत से मुतालिक तफ्तीश जारी है। धमाके में 3 अफराद शहीद हो गए, जबकि इमदादी कामों के दौरान इमाम मस्जिद समेत 15 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 10 जख्मियों की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तालिबान के इक्तदार संभालने के बाद से जुमे के रोज मस्जिद में धमाके का ये चौथा वाकया है। ताहम इस बार सुन्नी मस्जिद को निशाना बनाया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता धमाकों की जिम्मेदारी दाइश खुरासान कबूल की थी। अमरीका ने कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के इस्लामाबाद के फैसले पर कोई ख़ास रद्द अमल देने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अफगानिस्तान पर अब भी मुफाद की सफबंदी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीका ने कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के इस्लामाबाद के फैसले पर कोई ख़ास रद्द अमल देने से इनकार करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अफगानिस्तान पर अब भी मफाद की सफबंदी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट से निशानदही की कि पीर को पाकिस्तान और TTP ने मुल्क में बरसों से जारी अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के बाद मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। अमरीकी मीडिया ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी 3 रोज़ा दौरे पर बुध को इस्लामाबाद पहुँचे, जो कि 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के बाद किसी अफगान वजीर की जानिब से पाकिस्तान का पहला दौरा है। यह मामला अमरीकी महकमा खारजा में एक ब्रीफिंग में भी उठाया गया, जहां एक सहाफ़ी ने तर्जुमान नेट प्राइस को याद दिलाया कि वाशिंगटन अब भी TTP को एक दहशतगर्द तंजीम समझता है और इससे मुज़ाकरात पर अमरीका का सरकारी रद्द अमल तलब किया। नेट प्राइस ने कहा कि अगर पाकिस्तानी तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात पर हमारा कोई ख़ास रद्द अमल है तो हम यकीनन आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में हम पाकिस्तानी क़यादत के साथ बाकायदा रबते में हैं। उनका कहना था कि अमरीकी हुकूमत ने माजी में भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ इस मामले पर बात की थी। तर्जुमान का कहना था कि हमने अपने पाकिस्तानी हम मनसबों से अवामी और निजी तौर पर सुना है कि उनका भी इस बात में मफाद है कि अफगानिस्तान की अकलियतों बशमूल उसकी खवातीन और लड़कियों के दरमियान गुज़िश्ता 20 सालों में हासिल होने वाले फ़वाद को ज़ाया ना किया जाए। उनका कहना था कि इस तरह जब अफगानिस्तान की बात आती है तो हमारे मफाद काफ़ी हद तक मुश्तरक होते हैं
और हम उन बातचीत को जारी रखे हुए हैं। नेट प्राइस ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान के लिए नए नुमाइंदा खसूसी टॉम वेस्ट जल्द इस्लामाबाद जाएंगे ताकि इस हवाले से बातचीत को आने वाले दिनों में जारी रखा जाए। ख्याल रहे कि अमरीकी महकमा खारजा ने रवां हफ्ते के आगाज में ऐलान किया था कि टॉम वेस्ट हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद का दौरा करेंगे ताकि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की किसी भी हुकूमत के बारे में और तालिबान के बारे में अमरीकी तवक्कात को खास वाज़ेह किया जा सके। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदा खसूसी की हैसियत से ये उनका पहला दौरा होगा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते यूरोप में कोरोना वायरस के 22 अमवात में 10% इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते यूरोप में कोरोना वायरस के 22 अमवात में 10% इजाफा हुआ है और ये दुनिया का वाहिद खत्ता है जहाँ आलमी वबा के केसेस और इससे अमवात में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अमरीका, बरतानिया, रूस, तुर्की और जर्मनी इन ममालिक में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 25,27,80,044 तक जा पहुंची है जबकि इस मौजी वायरस से अमवात 50,98,342 हो गई जबकि 22,86,87,128 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है जहां इस वायरस से अब तक 7,80,775 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 4,96,93,516 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहां इस वायरस से 4,62,690 हलाकतें हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासिरा 3,44,14,186 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 72,910 तक जा पहुंची हैं जबकि केसेस 83,40,322 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,27,809 हो गई जबकि इसके कुल केसेस 60,19,947 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 56वें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,809 रिपोर्ट हुई हैं जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,49,103 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.